Good morning. Today we will continue the chapter soil. Mountain soil, and the next is mountain soil. This kind of soil is found in the hill slopes of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. इस तरह की जो मिट्टी है वो ख़ास तौर पर जो हिली एरियाज हैं उनके ढलान पर मिलती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड. माउंटेन सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस. माउंटेन सॉइल में ह्यूमस की अधिकतर क्वांटिटी पाई जाती है एंड इज़ गुड फॉर द ग्रोइंग फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स को उगाने के लिए अच्छी होती है. टेरेस फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉमन इन द हेलीज एरिया, और टेरेस फार्मिंग भी यहाँ पर प्रमुख रूप से इस तरह की खेती की जाती है. इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग द हिल स्लोप्स आर कट इन टू द स्टेप्स एंड क्रॉप सच एज वीट, मेज, बार्ली, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन. और इस तरह की जो टेरेस फार्मिंग में पहाड़ों को काट करके और उनको टेरेस बनाया जाता है, स्लोप को स्टेप्स में बनाया जाता है, और उसमें कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं जैसे वीट, मेज, बार्ली एट्सेट्रा. एंड द नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल. इट इज़ सैंडी एंड द फाउंड इन द एरिया ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल. ये इस द डेजर्ट सॉइल, जिस जगह पर पानी की कमी होती है या वहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ पर इस तरह की सॉइल पाई जाती है. आर लार्ज पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हैव द सैंडी सॉइल्स. एंड द सैंडी सॉइल्स जो होती है वो मेनली पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राजस्थान आदि में पाई जाती है. दिस सॉइल आर नॉट फर्टाइल. ये सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं होती है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द क्रॉप ग्रोइंग. और ये क्रॉप उगाने के लिए अच्छी नहीं होती है. इफ़ प्रॉपरली इरीगेट, अगर ये प्रॉपरली इरीगेट किया जाए, सिंचाई करी जाए, देन दिस सॉइल्स कैन बी यूजफुल फॉर द क्रॉप्स ऑफ द मिलेट, पल्सेज एंड कॉटन. अगर लगातार सिंचाई करी जाए और पानी की प्रचुर मात्रा को उपलब्धता बनाए रखी जाए तो यहाँ पर मिलेट, पल्सेज और कॉटन जैसे फसलों को उगाया जा सकता है. एंड द नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब सॉइल की जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, जब वो हवा या बाढ़ के पानी से वो ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी परत वो हट जाती है और वो परत में मिट्टी में ह्यूमस और वो फर्टाइल होती है, और जब ऊपरी परत हवा या पानी के साथ बह जाती है तो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, और इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है. Sometimes the soil is carried out away by the wind and water to a different places. This is called the soil erosion. Okay, it makes the land infertile. और जिसके कारण soil fertile soil तो ऊपर से हट जाती है, जिसके कारण जो ज़मीन है वो infertile हो जाता है. And the roots of the plants hold the soil together and prevent the soil erosion. और लेकिन चूँकि जिस जगह पर पेड़ अधिक मात्रा में लगे होते हैं वहाँ पर पानी और हवा जो होती है मिट्टी की ऊपरी परत को नहीं बहा ले जा पाता, और वहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है. इसी कारण पेड़ लगाने को कहा जाता है ताकि उसकी पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को कस के पकड़े रहें. वी कट द ट्रीज़ फॉर द फ्यूल एंड टू बिल्ड द फॉर्म लैंड. और हमने पेड़ों को काट दिया है खेती के लिए और बिल्डिंग के लिए, सिटीज़ एंड द रोड्स, रोड बनाने के लिए सिटीज़ के लिए, बिकॉज ऑफ द दिस, जिसके कारण सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ रहा है इधर कुछ सालों में. प्लांटिंग ट्रीज़ और द एफॉरेस्टेशन, प्लांट को लगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ द प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन. ओके, एंड कवरिंग बेयर फॉर्म लैंड विद ग्रास इन द हिली एरिया एंड द बिल्ड इम्ब्रेकेबल अलॉन्ग रिवर बैंक्स आर द सम अदर मैथड्स. कुछ और मैथड है जिनके द्वारा हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसको फॉर्म लैंड को ढक दें घासों से, जैसे पहाड़ी एरिया में, और जो बिल्डिंग काट करके उसको बनाएं, इस कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके कारण हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं. और नाउ अब इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है. एंड द क्वेश्चन आंसर, द फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया. देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ द सॉइल फाउंड इन इंडिया. अच्छा, रेड सॉइल्स आर द हाईली कॉन्टेंट ऑफ आयरन.
Which soil is used to making the bricks? And the answer is laterite soil. And the inclimable and impermeable laterites to form the correct word. And the south found in the northern plains. And the answer is alluvial soil. And the next is a soil good for the cultivation. Answer is fertile. Soil found on the slope of the hills, mountain soil. Fill in the blanks. India is mainly an agriculture country. Second, the breaking of the rocks by the agents of the erosion is called the soil. Alluvial soil is the most fertile soil. Laterite soils are found in the area where there is heavy rainfall. Afforestation is a method of preventing soil erosion. Now match the following. Okay, now we are comes to the question answer. What is soil? Soil is a natural resource which take millions of the year to form. All the living beings directly or indirectly depend on the soil for their food. And the next is, name the two types of the crops that grown in India. Answer is kharif and rabi crops. What is the soil erosion? When the soil is carried by wind and water to a different place, this is called the soil erosion. Where is the laterite soil formed? It is found in area where there is heavy rainfall. Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, etc. Okay.